ये छत्तीसगढ़ एनिमल सेवियर सोसाइटी भिलाई, जहां एनजीओ के द्वारा चलने वाली एक ऐसी संस्था जहां बेजुबान पशुओं के दर्द से रूबरू होकर उनकी जिंदगी बेहतर की जाती। एनिमल सेवियर्स अंजलि बताती हैं कि सेक्टर 1 में मौजूद इस संस्था की शुरुआत उनके कॉलेज से आते वक्त शुरू हुई थी, जब उन्होंने बेजुबानों के साथ क्रूरता होता देखा, जिसके बाद उन्होंने ये योजना बनाई। हमारी टीम भिलाई दुर्ग में एक स्ट्रे डॉग्स के लिए एनजीओ रन करती है और हम 3 साल से ये एनजीओ रन कर रहे हैं सेक्टर 1 में। और रिसेंटली अभी हमारे शेल्टर में 60 डॉग्स हैं जो कि पैरालाइज्ड हैं या उनका एक्सीडेंट हो जाता है रोड में, तो हमारी टीम उसको रेस्क्यू करके शेल्टर में शिफ्ट करती है और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। दुर्ग भिलाई के शहरवासियों के सपोर्ट और डोनेशन से चलने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य बेजुबान पशु जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, जिन्हें कुछ बीमारियां हो जाती हैं। कुछ ऐसे पालतू पशु भी होते हैं जिनको घरों से बेदखल कर दिया जाता है, ऐसे पशुओं को यहाँ शेल्टर होम में शह दी जाती है। अभी हमारे पास बहुत सारे अबेंडेंट केसेस भी हैं जो कि छोटे छोटे रीजन से उनको अबेंडेंट कर दिया जाता है। हमारे एब्सेंस में उनको गेट के बाहर चैन से बांध करके बहुत सारे लोग चले जाते हैं और कुछ फैमिली इशू होने की वजह से शेल्टर पे आके बोलते हैं कि हमें डॉग अपना डोनेट करना है। हमारी टीम अभी 60 डॉग्स की केयर कर रही है शेल्टर में और बहुत सारे डॉग्स जो हैं वो ट्यूमर से सफ़र कर रहे हैं, कैंसर से सफ़र कर रहे हैं और बहुत सारे डॉग्स ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से अपने पीछे के पैर खो देते हैं, जो कि लाइफ टाइम हमारे शेल्टर में उनको केयर दी जाती है। फिर हमने पहले ऑन स्पॉट ट्रीटमेंट स्टार्ट किया क्योंकि हमारे पास कोई शेल्टर नहीं था, तो हम ऑन स्पॉट इनको मैं फर्स्ट एड प्रोवाइड करते थे और उनका वहीं पे फॉलो अप लेते थे। फिर हमने अपनी ग्रुप को रजिस्टर्ड करवाया छत्तीसगढ़ ना एनिमल सेवियर सोसाइटी के नाम से और अभी हम सेक्टर 1 में एक शेल्टर रन करते हैं जहाँ कि हम जो भी केसेस रहते हैं उनको शिफ्ट करते हैं और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। आवारा पशुओं का दर्द हर कोई समझे ये अब मुमकिन का, पर कुछ लोग हैं जो जिंदगी उन लोगों के लिए जी रहे हैं जिनकी वफादारी पर तो लोग वाहवाही लूटते हैं, पर उनके असहाय हो जाने पर कोई पूछने तक नहीं आता। अभी आप सोशल मीडिया में भी ऑब्जर्व करते होंगे कि डेली डॉग्स काऊ पे बहुत ज़्यादा क्रुएलिटी होती है, कभी कभी ओनर ही उनको छत से जंप करके फेंक देते हैं डेथ के लिए या फिर उनको मारते मारते उनकी लाइफ ख़त्म कर देते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग डॉग रखें अपने घर पे तो उनको लाइफ टाइम उनको एक केयर प्रोवाइड करें और उनको अबेंडेंट ना करें। हमारे इस वर्क को देखते हुए भिलाई दुर्ग के पीपल ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और आगे हमें उनका और सपोर्ट चाहिए जिससे कि हम शेल्टर में एक काऊ सेक्शन बना सके और जो भी इंजर्ड काऊ रहती है उनको रेस्क्यू कर पाए। आपके सपोर्ट के वजह से हम इतने सारे डॉग्स की केयर कर रहे हैं और आगे भी हमें आपका सपोर्ट चाहिए जिससे हम और भी एनिमल्स रेस्क्यू करें और उन्हें एक अच्छी लाइफ दे सकें। सो प्लीज़ स्मॉल और बिग बी काइंड टू ऑल, थैंक यू। एनिमल सेवियर्स के कार्यों से साबित होता है कि अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो हम जीवन की हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। चलिए हम इनकी जिंदगी बेहतर बनाएं और मानवता की मिसाल पेश करें।